बड़ी खबर खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हैं, जहां सोनिया गांधी ने राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको बताते चलें कि राम मंदिर का निमंत्रण सोनिया गांधी ने अस्वीकार कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि आरएसएस का कार्यक्रम है, ये बताते हुए निमंत्रण को अस्वीकार किया गया। आपको बता दें कि सोनिया और खड़गे अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर खबर एक्सपर्ट पर आप देख रहे हैं, जहां अब कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पार्टी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएगा। हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी पार्टी में से कौन कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं, जहां अब सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें कि देश में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वहीं भाजपा की हर बैठक में राम मंदिर की तैयारियों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा कई दिनों से विपक्ष भी कर रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है या फिर नहीं। वहीं अब कांग्रेस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी पार्टी नेता 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएगा। सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को अस्वीकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप खबर एक्सपर्ट पर देख रहे हैं, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण तकरीबन 15 दिन पहले ही मिल चुका था। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को नजर में रखते हुए पार्टी ने इस पर चर्चा की और फैसला लिया कि राम मंदिर के उद्घाटन में जाना है या फिर नहीं। इस क्रम में सोनिया गांधी और खड़गे ने आज बुधवार को कहा है कि ये आरएसएस का कार्यक्रम है और इसमें वे शामिल नहीं होंगे। आरएसएस का कार्यक्रम बताते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है।